व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि पायो की है। और आमतौर पर जो है वो घरों में इसको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत बनाया जाता है, बहुत खाया जाता है। तो चले आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम इस रेसिपी में जो चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो दरअसल है, हम यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं जो कि हम काट के इस्तेमाल करेंगे, 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं जिनको हमने छील लिया हुआ है, और हमने 2 अदद यहाँ पर लहसुन लिया है। उसके अलावा हमने अदरक ली है, इसको हमने बारीक कट कद्दूकस कर लिया है। उसके अलावा हमने मसाला जात में यहाँ पर पिसा हुआ धनिया लिया है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, और 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है, और छोटे पाय लिए हैं। हम अपनी सारी तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक कुकर में डालेंगे, उसको वेट लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर 10 मिनट वेट लगाने के बाद उसे हम भून कर उसमें बॉयल हुआ पानी डालेंगे। पानी को हमने 3 गिलास लिया है, पानी हमने 3 गिलास लिया है, उसका बॉयल कर लेंगे और फिर हम आपको बनाना सिखाते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम अपने कुकर में पाय डालेंगे, इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना स्टार्टिंग में। टमाटर प्याज को हम छोटा छोटा काट लेंगे और तमाम मसालों को एक साथ ही डाल देंगे। अब 3 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे। फिलहाल पानी को बॉयल नहीं करेंगे, बाद में जब हम इसको वेट लगा कर भूनेंगे तब हम इसके अंदर बॉयल पानी डालेंगे। अदरक डाल लेंगे, तकरीबन 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसके नीचे आँच जला लेंगे, आँच को हमने तेज रखना है। हम इसे 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वेट चलाया, तो हमने जो पानी बॉईल किया है वो 1.5 जग है। पानी को हम थोड़े ज़्यादा आंच करके हम इसको सुखा लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे भूनेंगे। आप देखिए हमारे जो मसाला जात हमने इसके अंदर प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह डाले थे वो खुल चुके हैं। हमारा जो पानी है वो जब सूख जाएगा और मसाला सा रह जाएगा तो हम इसे भून लेंगे और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। हमारा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चला है। हमने दूसरे चूल्हे पर ही पानी डालने के लिए बॉईल कर लिया है। अब भी अपने मसाले को हिलाते रहना और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा मसाला सड़ ना जाए। अब हम इसे भून लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पायल का सलाद तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।